आज हम तो ट्रैक्टर का रिव्यू कंपेरिजन वीडियो बनाएंगे, सोनाली का 745 DI और ये स्वराज 744, ठीक है ना। तो आप देखना, ये भी 48 हॉर्स पावर आता है कागज में, लेकिन 50 हॉर्स पावर की कैटेगरी ट्रैक्टर होता है, वो भी 50 हॉर्स पावर है। तो दोनों ट्रैक्टर को मैं आपको डिटेल में वीडियो में दिखाऊंगा, पहले आपको ये देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों में, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब पहले से किया हो तो उसके दिल से धन्यवाद, नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो जैसे आप देख सकते हैं, एक्सल मिलता है इसमें, एडजस्टेबल मिलता है, प्लस ये घुमावदार एक्सल है, ठीक है ना, सीधा नहीं है। ये पावर स्टीयरिंग नॉन पावर स्टीयरिंग दोनों तरह का ट्रैक्टर मिल जाता है। ये नॉन पावर स्टीयरिंग क्योंकि 3 स्टार है, इसमें 4 स्टार लोगे तो आपको पावर स्टीयरिंग मिलेगा, और उसमें टायर भी इसमें आगे के बड़े मिलेंगे, 4 स्टार में 7, 50, 16 के मिलेंगे, इसमें 6, 16 के टायर मिल जाते हैं गुडियर के, ठीक है ना। और इसमें 3 स्टार होने के बीच में 6, 16 के आते हैं ट्रैक्टर में। इसमें आपको 14, 28 के टायर के ऑप्शनल और 13, 6, 28 के भी मिल जाते हैं इसमें, ठीक है ना। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको आप 10 गियर मिलते हैं, 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर मिल जाते हैं, ठीक है ना। डुअल क्लिच सिंगल क्लिच दोनों में ऑप्शनल है। इस ट्रैक्टर में आप देख सकते हो फुट पायदान मिलता है किसान को पकड़ चढ़ने के लिए, कितना अच्छा मजबूत दिया हुआ है। इसमें जो गियर आते हैं उसमें सेंटर गियर मिल जाते हैं, ठीक है ना, साइड में नहीं मिलते। अगर इसमें साइड शिफ्टिंग गियर बॉक्स चाहिए तो आपको XM वेरिएंट खरीदना पड़ेगा 744 का, और PTO गियर इधर मिल जाते हैं इसमें, ठीक है ना। मल्टी स्पीड PTO मिलता है ट्रैक्टर के अंदर, 45 इकोनॉमिक चक्कर और 6 स्प्लिन PTO मिलती है इस ट्रैक्टर के अंदर, और इसमें PTO पावर होती है 30.1 किलोवाट में होती है, जो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 44 हॉर्स पावर के आसपास PTO मिल जाते हैं इस ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है ना। 2000 RPM में होता है इस ट्रैक्टर के, 3107 cc का इंजन आता है इसमें, 110 Nm का बोर, 110 का ही इसमें टॉर्क मिलता है ट्रैक्टर के अंदर, 1974 की बिल्ट कंपनी है, ठीक है ना। और 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, तीनों के हेड अलग अलग है, आप जोन से में काम कराना चाहते हो उसमें करा सकते हो। इससे पहले मैंने इसकी डेडिकेटेड वीडियो बनाकर डाली हुई, अगर आपको देखना चाहते हो देख सकते हो, ठीक है ना। 3 सिलेंडर पंप मिल जाता है इसमें, जो इसका फ्यूल इंजेक्शन होता है उसमें ओल्ड बाथ 1 लीटर मिल जाता है, जो कि 3 स्टेज है, ठीक है ना। 48 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, और इसमें वाटर सेपरेटर के साथ साथ दो इसमें डीजल फिल्टर मिल जाते हैं, जो कि बोस कंपनी के है, आप देख सकते हो सिस्टम लगा हुआ, आप खूब आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। पावर स्टीयरिंग में मिल जाएगा, 4x4 में भी ऑप्शनल है ट्रैक्टर का, 4x4 लेना चाहते हो उसमें मिल जाएगा। 1990 किलो का ट्रैक्टर का वेट है, 400 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है ट्रैक्टर का, ठीक है ना। लिफ्टिंग कैपेसिटी 1500 किलो की ट्रैक्टर की, मैं पीछे दिखा देता हूँ, ठीक है ना। जो इसका आप 4 स्टार लेंगे, इसमें 2 हेक्सोलेटर वाल्व मिलेंगे कंपनी फिटेड, इसमें देख सकते हो टॉपलिंग कितनी हैवी मिल जाती है, टॉपलिंग कह रहा सॉरी, इस ट्रैक्टर के अंदर जो इसका हिच मिल जाता है वो भी कितना हैवी मिल जाता है, आपको अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बनवाने की, इस पर भी आपका काम पूरा कर जाएगा ट्रैक्टर, ठीक है ना। और इसके अंदर रोड मिल जाते हैं दोनों मरगाड के अंदर, जो कि कम से कम वाइब्रेट करे, और प्लस एक रिफ्लेक्टिंग लाइट मिल जाती है, सॉरी हैलोजन हेडलैम्प मिल जाती है, जो कि रात को काफ़ी कारगर होती है कोई ट्रॉली वगैरह जोड़ने के लिए, इसमें काम करने के लिए, ठीक है। आइए थोड़ा सा साइड में दिखा देता हूँ वो ट्रैक्टर में आपको, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आपको PC DC के लीवर मिल जाते हैं दोनों, और इसमें 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जर बॉक्स मिल जाता है ब्लैक कलर का, इधर देख सकते हो, इधर फाइबर बॉक्स मिल जाता है इसका टूल बॉक्स, और इसकी जो PTO कितनी स्पीड से उठानी है इसके लिए एक इसमें लॉक मिल जाता है, कितनी स्पीड से डालना है, कितनी स्पीड से उठाना है, ठीक है ना। और इसमें जो गियर मिलता है सेंटर गियर मिल जाते हैं, प्लस इसमें अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए लंबे रूट पर ट्रैक्टर चलाते हो तो इसके लिए फुट पायदान मिल जाता है, फुट रेस्ट, इस पर आप पैर रख के रेस्ट करा सकते हो। इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, ऑयल इंब्रिज प्लस ड्राई दोनों तरह का ऑप्शनल है, ठीक है ना। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें एक एक्चुअली वाल्व मिल जाता है, इसमें आपको ये हटा करके बोल्ट, इसमें एक पॉइंट लगाना पड़ेगा पिन लगा करके, जो कि आप इसमें अपना आप भी लगा सकते हो, और काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इस ट्रैक्टर के बारे में तो बेसिक जानकारी थोड़ी सी यही है, ऊपर का ये मैं आपको कंपेरिजन वीडियो बता रहा हूँ, आपको डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि डिटेल में वीडियो कम से कम बन जाएगी 20 मिनट के लगभग की, ये मुझे 8-9 मिनट में ख़त्म करनी, तो मैं आपको डिटेल में बताना नहीं चाहता, जो कि है उसमें पॉइंट मेन पॉइंट वो आपको बता रहा हूँ। अपनी सीरीज की क्या सबसे बड़ी इसमें क्लच प्लेट मिल जाती है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें 4x4 का भी मिलेगा ऑप्शनल, 4x2 का भी मिलेगा, आगे के टायर 7, 50, 16 के भी मिल जाते हैं। 1990 किलो का वजन इस ट्रैक्टर का है जो आपके सामने खड़ा है, ठीक है ना। 400 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 5.5 से 6 लीटर डीजल खर्चेगा 1 घंटे के अंदर, 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर आता है, 3136 cc का इंजन होता है ट्रैक्टर का, 110 का ही बोर आता है, 110 का इसमें टॉर्क आता है ट्रैक्टर के अंदर, वो स्ट्रोक सॉरी, ठीक है ना। तो आपको ट्रैक्टर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे जरूर बता कर चलना। तो आइए दूसरी वीडियो को देखते हैं, दूसरी वीडियो स्विच करते हैं, उस ट्रैक्टर को भी डिटेल में वीडियो देखना। तो इस ट्रैक्टर में आप देख सकते हो ये DI 745 आता है थर्ड,
इंटरनेशनल सिकंदर सीरीज का 50 एचपी का ट्रैक्टर होता है, ठीक है ना। स्वराज भी 48 में आता है कागज में, लेकिन 50 की कैटेगरी का ही होता है। इसमें टॉर्क 205 Nm का 1900 RPM आता है। 3 सिलेंडर ट्रैक्टर होता है, भी बॉस का इनलाइन पंप आता है। इसमें सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग रोड मिल जाती है। इस ट्रैक्टर के अंदर भी आपको 750/16 का टायर का ऑप्शन मिल जाता है और कंपनी फिटेड इसमें बम्पर मिल जाता है जो कि 65 किलो के आसपास का। इस ट्रैक्टर के अंदर 8 LED बल्ब के साथ एक हैलोजन बल्ब भी मिल जाता है बीच में। और इसका बोनट जो खुलता है चाबी से खुलता है, यहाँ से सिंगल पीस बोनट है, ठीक है ना। और इसमें पावर स्टीयरिंग का अलग ही तेल मिलता है, ऑयल, जो कि स्वराज में मिलता है, ठीक है ना। ब्लैक इंजन में आता है, ब्लैक क्लेडिंग के साथ बिल्कुल हॉट इंटरनेशनल स्टार और हैवी ड्यूटी माइलेज प्लस के साथ बैजिंग आती है। इस ट्रैक्टर का जो मेटल पेंट आता है देख सकते हो आप, इसमें थोड़ी थोड़ी सी आपको शाइनिंग दिख रही होगी, ठीक है ना। गन मेटल पेंट आता है ये, तो ये मशीन के द्वारा होता है। मल्टी स्पीड पीटो के साथ ट्रैक्टर ये भी होता है, ठीक है। इसके अंदर इंडिकेटर जो आते हैं और जो पार्किंग लाइट आती है वो LED कर दी। ऑयल लिमिट डिस्क ब्रेक में ये भी आता ट्रैक्टर। और ये ट्रैक्टर टॉप मॉडल खड़ा है इसका पावर स्टीयरिंग के साथ। इस ट्रैक्टर के अंदर भी हैलोजन बल्ब मिल जाता है पीछे का, जो कि आपकी ट्रॉली प्रोली जोड़ने में बहुत कारगर होता है। इधर एक नंबर प्लेट के लिए बल्ब होता है और दो इसमें हेक्सोलरी बार मिल जाते हैं। उसके भी टॉप मॉडल में 2 हेक्सोलरी बार मिल जाएंगे। DC के लीवर देख सकते हो कितने सुंदर बिल्कुल बंद आते हैं बॉक्स के अंदर से एकदम बिल्कुल। और पीछे में जो 2000 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है और इसकी जो हिच आती है वो भी काफ़ी हैवी ड्यूटी आती है। ऊपर चढ़ने के लिए इसमें भी काफ़ी इंचा पायदान मिल जाता है। इसकी जो एक क्लियर कट एडवांटेज है ट्रैक्टर के अंदर वो है इसका फ्लैट जो आता है प्लेटफॉर्म और साइड शिफ्टिंग गेयरबॉक्स हाई लो के साथ, ठीक है ना। और इसमें 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 इन PTO गियर इधर मिल जाता है, जो कि इसकी लगभग PTO हॉर्स पावर जो होती है जो वो निकालता है 40 हॉर्स पावर, ठीक है ना, 40 पॉइंट कुछ की निकालता है। 10 गियर इसमें आते हैं, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स के साथ। PC DC के लीवर इधर मिल जाते हैं और पैर के एक्सेलेटर इधर मिल जाते हैं। डिजिटल मीटर प्लस एनालॉग मीटर मिल जाता है इस तरह का इस ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है ना। और पावर स्टीयरिंग आता है इसका, इसमें भी अलग हैंडी मिलती है पावर स्टीयरिंग की। इसलिए ट्रैक्टर अगर बंद हो तो फिर भी आप ट्रैक्टर को मोड़ सकते हो, देख सकते हो ट्रैक्टर बंद है। मैं ऐसे मोड़ के दिखाता हूँ फिर भी, ठीक है, स्टीयरिंग मोड़ रहा फिर भी देख सकते हो। डुअल क्लिच में ट्रैक्टर ये भी आता है, सिंगल क्लिच में नहीं आया इसका ऑप्शनल। और इसमें देख सकते हो पावर स्टीयरिंग का लोगो भी दिखा रखा। इसमें भी जो एयर क्लीनर मिल जाता है वो ऑयल्ड बाथ मिलता है। तो ट्रैक्टर कैसा लगा, इसमें देख सकते हो छोटे छोटे इंडिकेशन है फ्यूल के, किसी भी चीज़ के, पार्किंग के, हैंड ब्रेक के, सब चीज़ के दिखा रखे। और 45 इकोनॉमिक PTO मिल जाती है इसमें, मल्टी स्पीड PTO का ट्रैक्टर आता है भी। और ट्रैक्टर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर अगर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं आपको दिखाता हूँ उसमें DC का लोगो भी आता है। ये DC का पता नहीं मुझे भी क्या है, DC का आप बता सकते हो। इसमें भी सीट आप एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे इसमें आप देख सकते हो 60 लीटर का डीजल टैंक मिल जाता है इधर। और इधर प्लेट मिल जाती है इसका प्लेट, जो कि फिटिंग को पीछे नहीं जाने देती ट्रैक्टर की। और पावर स्टीयरिंग सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग रोड मिल जाती है इस ट्रैक्टर के अंदर। फायर बॉक्स भी इसका यहाँ मिल जाता है, ये देख सकते हो। इसमें आप अपने औजार वगैरह रख सकते हो। इसका जो हैंड ब्रेक होता है वो इधर की तरफ मिलता है इंडिपेंडेंट, ये वाला। तो आपको कैसा लगा ट्रैक्टर मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ट्रैक्टर आपको स्वराज ज़्यादा अच्छा लगा 744 या सोनालिका? और जिस भाई के पास भी सोनालिका हो या स्वराज 744 हो, मुझे इस बारे में कमेंट में जरूर बताना कि उनको कौन सा ट्रैक्टर ज़्यादा पसंद आता है और कितना डीजल लेता है। इस ट्रैक्टर का डीजल खपत भी 5.5 से 6 लीटर है। और इसमें भी एक रोड मिल जाती है दोनों मरघाट के बीच में, जो कि वाइब्रेट नहीं होने देती मरघाटों को। काफ़ी चौड़े मरघाट मिलते हैं, जो कि इसमें एक अलग से सिल्वर कलर की इसका प्लेट मिल जाती है फेंडर में, जो कि काफ़ी शानदार और यूनिक लगती है। इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें एक इसकी अलग प्लेट है, इसमें तारीख डेट लिख रही है कौन सी तारीख में ट्रैक्टर लिया हुआ है बना हुआ है। और इसकी जो PTO पावर है 43.45 की है, ठीक है ना। PTO 43 HP की मिलती है, मैंने 40 बताई थी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो इसमें भी दो डीजल फिल्टर मिल जाते हैं बोस के, ठीक है। और इसमें एक वाटर सेपरेटर इधर भी मिल जाता है इसमें, इससे पंप की लाइफ बढ़ जाती है और ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा काम करता है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।